उत्तराखंड के टिहरी पोस्ट ऑफिस पे कर्मचारियों का धरना जारी है। वहीं कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों पर कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगाया है। वहीं कर्मचारियों ने मामले में डाक अधीक्षक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों पोस्ट ऑफिस परिसर में 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों पर ट्रांसफर कराने के नाम पर पैसे मांगने और पैसे नहीं देने पर कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगाया है। वहीं पोस्ट ऑफिस के अधिकारी का कहना है कि आंदोलन कर्मचारियों की मांगों को लेकर जांच कमेटी गठित की गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन की तरफ से कोई इसमें आश्वासन नहीं दिया जा रहा, ना हमें कोई बुलावा ऐसा आया है। और हमारा जो ये धरना प्रदर्शन आगे चलता रहेगा। विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमने एक ज्ञापन श्रीमान चीफ पोस्टमास्टर जनरल उत्तराखंड सर्किल को भेजा था और वहाँ पर कुछ अधिकारियों ने उस पत्र को दबा दिया है कि श्रीमान चीफ पोस्टमास्टर जनरल के पास ये बात ना जाए और इस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, किंतु हम ऐसे कार्यों के प्रति अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इन्होंने कुछ 3 यूनियन यहाँ पर हैं अलग अलग, तो इन्होंने कंबाइंड जो है रूप में एक लिखित में दिया था, जो कि हमारा जो पोस्टल डिवीज़न है टिहरी डिवीज़न, तो उसमें कई चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, तो पूरे डिवीज़न से रिलेटेड मामला है। तो इनके जो भी शिकायतें हैं या जो भी बिंदु हैं वो मेरे संज्ञान में है और वो मैंने अपने ASP को जांच में दिए हुए हैं। जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी उसमें अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ़ मैं कार्रवाई करूँगा।